एक भाई पूछ रहे हैं कि पेट के कीड़ों का इलाज, अलामत और एहतियाती तदबीर बता दें। देखिए, पेट में कीड़े जो है ना वो होते ही हैं हमारे आंतों के अंदर, छोटे हर इंसान के अंदर। बट अगर हमारी कुछ बैलेंस आती है, हम ये करते हैं, गलत किस्म की जंक फूड इस्तेमाल करते हैं और हमारा बेटा डिस्टर्ब रहे, और कुछ बच्चे जो खासतौर पर मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, तो जो मिट्टी है वो इन कीड़ों की बड़ी अच्छी मरगुजार है। तो ये पलते हैं और ज्यादातर तो ये बच्चों को ज्यादातर करते हैं। तो जब इंसान बड़ा हो जाता है तो वो फिर बाज आ जाता है। उसकी बात ये कि कैल्शियम की कमी जो होती है वो भी पेट की कीड़ों को इनहेंस कर देती है। जी, कम हो जाए कैल्शियम तो बच्चे तब मट्टी खाने लग जाते हैं, और जब मट्टी खाने लग जाते हैं जो कीड़े होते हैं वो पलना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ जब चीनी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो चीनी भी इन कीड़ों की मरगुजार। तो ये कुछ इलामते हैं। फिर इससे ये है कि पता चल जाता है, एक तो बच्चे को मकद के मुकाम पे खारिश का मसला शुरू हो जाता है, वो भी पता चलता है कि सॉरी कि इसके पेट में कीड़े हैं। और दूसरा ये कि बच्चे जो है ना मिट्टी की सूरत मिट्टी को ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसी चीजें जो ऐसी मिट्टी जैसी खुशबू हो, जैसे गाची है, गाची खाएंगे और दीवारों को चाटेंगे, रेत खाएंगे, इस तरह फिर ये पता चलता है कि कीड़े होते हैं। तो बच्चे इस तरह की गलत गिजाओं की तरफ जाते हैं, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो कीड़े मकोड़ों की होती हैं। दूसरी एहतियाती तदाबीर यही है कि जरा बच्चों को एहतियात से रखें और उनको इन चीजों से बचाएं, मट्टी से ज्यादा चीनी से बचाएं, उनकी गिजा अच्छी रखें। तो इसकी जो रेमेडी है वो बड़ी आसान सी है कि तुम्मा मिल जाता है बाजार से, और उसके अंदर से एक गुदा है उसका निकाले, और उसके अंदर से बीज भी निकलेंगे, बीज साइड पे कर लें तो तुम्हें के अंदर जितना भी उसका जो गुदा होगा वो लेकर उसको पीस ले। पीसना क्या है, वो पहले ही छान सा होता है, फिर उसको हल्का सा, कुछ भी ज्यादा मेहनत जरूरत नहीं है, जल्दी पीस जाएगा। और उसमें मुसब्बर ऐड करना है। अगर तुम्हें का जो गुदा है वो 10 ग्राम आपको मिला है तो फिर मुसब्बर उसमें 15 ग्राम ऐड कर लें, और मुनक्का होते हैं मुनक्के के अंदर से बीज निकाल लें, और उसके बाद वो तकरीबन 50 ग्राम ऐड करके, तो फिर उनको आपस में मिक्स करें। मुनक्का चूंकि चिपक जाएगा, मेवा होता है, तो वो इन चीजों को आपस में गूंद, जैसे आटा गूंद देते हैं इस तरह की गोलियां भी बन जाएंगी। तो इनकी छोटी छोटी गोलियां बना के रख लें, तो बच्चे को इसकी गोलियां खिलाएं, मुनक्का थोड़ा मिठास में इसको ले आएगा, बाकी चीजें गर्मी है, तो ये पेट के कीड़ों को बड़ी अच्छे से जाहिर करता है। यही गोली कोई जो है ना ये बड़े के लिए भी है और छोटा बच्चा भी इससे फायदा उठा सकता है। तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। तुम्हें का गुदा है और बीजों के बगैर, और मुनक्का भी बीज के बगैर मुसब्बर है। जी बहुत मुश्किल। और नेक्स्ट कुछ जो सवाल है वो ये है कि बेसब पूछें कि मेरे गुर्दे में पथरी है तो उसके लिए कोई इलाज बता दें। अच्छा, गुर्दे में पथरी है, इसके लिए तुक में खरबूजा, यानी तुक हम कहते हैं बीज को, तुक में खरबूजा, तुक में खीरा और काली मिर्च। हाँ जी जी बिल्कुल, खरबूजे के बीज है, खीरे के बीज है, काली मिर्च है और खशखास। तो इनको क्या कर सकते हैं कि दूध में जैसे सरदाई बनाते हैं ना, तो इनकी सरदाई बनाए और पीते रहे, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। इनके जो पथरी है और जिनके जो पानी की कमी की वजह से गुर्दा काम नहीं करता और अपने अंदर वो जमा करके बैठा हुआ है चीजें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से मूव करेगा तो ठीक होना शुरू करेगा। और इसके अलावा नुशादर, नुशादर बहुत ही सस्ता और आसान मिल जाने वाली चीज है, और उसको पीस लेना है और मक्खन में एक माशा नुशादर मिक्स करें और फिर उसको खा लें, नीम गर्म पानी के साथ खा सकते हैं, वैसे भी खाया जाएगा। 15-20 दिन इस्तेमाल करें तो बड़ी उम्मीद है कि इनकी जो पथरी है वो जाहिर हो जाएगी। और इसके अलावा कोशिश करें कि अपने करीबी मौलिक से रब्ता करें। ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।